in this example a small candle 2.5 centimeter in size is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image okay. describe the nature and size of the image or if the candle is moved closer to the mirror हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूवड यहाँ देखिए सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन ड्रा करना और हमेशा हम लोग यहाँ पे ये यह कोशिश करेंगे यहाँ पे डायग्राम से ये चीजें क्लियर करें डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर और वहां से इमेज को ट्रेस करेंगे प्रॉपर रेज के साथ ठीक है तो यहाँ पे ध्यान देना है सबसे पहले हमें बच्चे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक कनके मिरर है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक ये हमने बना लिया जी एक कनके मिरर या आपका आ गया कनकेव मिरर आ गया और ये ले लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस आ गई प्रिंसिपल एक्सिस आ गई और यहां पे आ गया, आ गया आपका पोल जहां से सारे डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं यह हम ले लेते हैं फोकस और यह आपका आ गया सेंटर ऑफ करवेचर तो ये आपने कनकेव मिरर बना लिया यहां तक आप देखें ध्यान से क्या-क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेनी है तो हमेशा याद रखना कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगी ये आपकी आगे की डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेने हैं क्या लेने हैं पॉजिटिव लेने हैं कहने का मतलब है कि आपकी आगे ये प्रिंसिपल एक्सिस या मना लेते हैं कोई मिरर तो ये आपका आगे है जी पोल पोल से इस तरफ जो भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव लेने हैं और पोल से इस तरफ पोल से इस तरफ चलोगे तो डिस्टेंस आपके नेगेटिव होंगे पोल से अगर ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस पॉजिटिव पोल से अगर नीचे जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव पोल को आपने ओरिजिन मानना है पोल को क्या मानना है ओरिजिन सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर करने हैं तो अब यहाँ पे ध्यान दें हर एक को हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे जो जो डेटा हमें दिया हुआ है यहाँ पे देखें सबसे सबसे पहले इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ आपको ठीक है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई आपको. Object, है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर ठीक है उसके बाद बोला साइज इसका साइज इन साइज इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनके मिरर कनके मिरर के इन फ्रंट मतलब यहां पे रखी होगी तो यहां पे रखी हुई थी तो u का वैल्यू आपके पास होगी माइनस सेंटीमीटर क्यों क्योंकि यू यहां पे रखी हुई है इन फ्रंट इसके इन फ्रंट पे रखी हुई है है ना इसके इन फ्रंट पे रखी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपके पास नेगेटिव उसके अलावा उसने क्या दिया रेडियस ऑफ करवेचर आर की वैल्यू दी है हमें थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ठीक है देखो आर भी क्या होगा आपका यहां से पोल से इस तरफ मेजर करोगे पोल से लेके यहां तक अगर आप मेजर करोगे तो आप क्योंकि इंसिडेंट रे तो आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी है ना और देखो यहां से हम थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपके पास रेडियस कितना है सेंटीमीटर तो कि होगी क्यों क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास थर्टी सिक्स सेंटीमीटर है तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगी आपके पास वो कितनी होगी एटीन सेंटीमीटर और ये भी क्या होंगे माइनस में होंगे क्योंकि सारे डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करोगे क्योंकि बच्चे जो आपकी जो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही है देखो आपने ले ली incident ray. Incident ray की ये ना और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास कितना आ रहा है माइनस थर्टी सिक्स सेंटीमीटर और सारे डिस्टेंस देखो पोल से इस तरफ ले रहे हो तो सभी मैंने यहां पर इस चीज का ध्यान देना है अब मुझे बोल रहा है कि आपको इमेज क्या बोलते सॉरी मिरर कहां पे रखोगे कि आपको शार्प इमेज मिले तो शार्प इमेज मिलने के लिए मिरर की पोजीशन कहां होनी चाहिए तो मुझे एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है किसका इमेज का मिरर से कितनी दूरी पे है तो जहां पे इमेज का डिस्टेंस होगा वहीं पे तो हम मिरर को रखेंगे है ना तो यहां पे ध्यान दें ये v की वैल्यू मुझे मिलेगी बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला बाय यूजिंग मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी v की वैल्यू और मिरर फार्मूला क्या होता है आपके पास इक्वल टू प्लस पे जो भी वैल्यूज डालेंगे हम प्रॉपर साइन के साथ डालेंगे देखो इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो आपको एग्जाम्पल में वो पूछेगा वो v निकालने को बोलेगा तो आप लोग क्या करें इसको u से इधर भी मल्टीप्लाई करें और इस पूरे को भी u से मल्टीप्लाई करें तो यहां देखिए ध्यान से यहाँ आपके पास आ जाएगा यू बाई एफ ये आ जाएगा यू बाई यू प्लस यू बाई वी तो ये आ गया आपके पास यू बाई एफ इक्वल टू वन प्लस यू बाई वी क्योंकि मुझे वी निकालना है तो मैं यहां लिख सकता हूं देखिए यहाँ पे ओ आर u यू बाई वी इक्वल टू यू बाई एफ माइनस वन ये वन को उधर ले गए आप लोग तो एलसीएम आपके पास एफ आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू बाई एफ इक्वल टू यू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ गया जी आपके पास सॉरी यू बाई वी है यहाँ पे ठीक है वी निकाले तो और और वी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यू एफ इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड यू माइनस वी सॉरी यू माइनस एफ तो ये बच्चे ये रिजल्ट आपको याद रखना है ये फार्मूला अगर आप याद रखोगे तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको वगैरह एलसीयम क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू डालनी है क्या फार्मूला हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ इमेज का डिस्टेंस मिरर से डिवाइडेड माइनस देखो कितना इजी है याद रखना ऊपर यू एफ है नीचे माइनस कर दो तो यू में से F को तो ये वी की वैल्यू तो वी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ अभी यू मेरे पास है कितना माइनस ट्वेंटी सेवन साइन के साथ लिखना है और एफ है माइनस एटीन डिवाइडेड बाई यू है आपके पास माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस फार्मूले का और ये माइनस एटीन देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया मगर ये माइनस और माइनस ट्वेंटी सेवन का बड़ा है तो रिजल्ट आपके पास माइनस में आएगा माइनस में आएगा तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर तो इसका मतलब जो इमेज है आपकी वो कितनी पे कहां पे बन रही है फिफ्टी फोर सेंटीमीटर तो मतलब जो आपको मिरर को रखना है सॉरी जो स्क्रीन को रखना है आपको मिरर से कितनी दूर पे रखना है फिफ्टी फोर सेंटीमीटर पे रखना है तो यहां पे देखें ध्यान से इसको इमेज को ट्रेस करते हैं हम लोग यहां से प्रॉपर रेज लेके तो एक रेरल रे ली है तो इसको से से पार कराओगे आप लोग फोकस ये आ गई आपके पास फोकस से होगी पास ठीक है दूसरी रे हम क्या करते हैं फोकस से लेते हैं ये मैंने फोकस से ली अगर ये फोकस से ली है तो ये देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है कुछ यहां जैसे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे बचे आपकी इमेज ट्रेस होगी ये आपकी बन रही है इमेज इमेज यहां मतलब स्क्रीन यहां रखोगे और ये डिस्टेंस कितना आया आपके पास ये डिस्टेंस की वैल्यू आई माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि ये पोजीशन ऑफ स्क्रीन है पोजीशन ऑफ स्क्रीन वो कितने पे होनी चाहिए माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर कहां से फ्रॉम मिरर से अगर ये वहां पे रखोगे तो तब जाके आपको शार्प इमेज मिलेगी अब और क्या पूछा है इसने इसने बोला नेचर बताओ और साइज बताओ किसका इमेज का इमेज का नेचर क्या है और साइज क्या है देखें ध्यान से अब जब आपको ये पैरामीटर तो जो पोजीशन होती है ना ऑब्जेक्ट की इमेज की या फोकल लेंथ निकालनी है ये आपको मिरर फार्मूले से मिलेगा जब आपको बोलेगा साइज निकालो ठीक है कितनी मैग्निफाई हो गई तो वो आपको मैग्निफिकेशन फार्मूले से मिलेगा तो यहां पे हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला फॉर्मूलाफिकेशन तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है इसको हम एम से डिनोट करते हैं और ये जो मैग्निफिकेशन इसको वर्टिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये हाइट को लेके होगा ये होता है हाइट ऑफ इमेज आई लिखा मैंने और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस फार्मूले का V अपॉन U ये दो फॉर्मूले हैं इस पर और कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा ऊपर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं ये वर्टिकल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो एम वी की बात कर रहे हैं तो यहां सबसे पहले मैं, मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दी है जब मैं एम निकल जाएगा मेरे पास एम कैसे निकलेगा वी बाई यू वैल्यू लेके तो यहां से मैं पहले मैग्निफिकेशन निकालता हूँ माइनस ये फार्मूले का v की वैल्यू है बच्चे मेरे पास v की वैल्यू कितनी दी हुई है है हमारे पास 54 अभी निकाला हमने और u ये माइनस माइनस तो कट गया तो ये आ रहा है 2, मगर आ रहा है माइनस का टू मैगनीफिकेशन कितनी है माइनस टू मतलब जो इमेज है वो टू टाइम मैग्निफाई हो जाएगी है ना वो देख भी लेते हैं यहाँ पे कितनी उसकी हाइट आ जाती है साइज कितना हो जाता है तो यहां मैं लिख सकता हूँ कि साइज ऑफ इमेज देखो इमेज का साइज मुझे निकालना है ना तो ये किसके बराबर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको है ना साइज साइज ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई एम तो बच्चे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का साइज इसने आपको दिया हुआ टू पॉइंट फाइव तो यहां पे मैं अगर लिखूं साइज ऑफ इमेज ये हो जाएगा टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू एम तो बच्चे माइनस फाइव सेंटीमीटर यहाँ माइनस क्या डिनोट कर रहा है देख लो माइनस ये डिनोट कर रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है इमेज माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज है वो क्या है इनवर्टेड क्या है इनवर्टेड है और इसका साइज देखो कितना हो गया डबल वो आपने यहां पे भी देख लिया था क्योंकि डबल मैग्नीफाइंग हो गई अब उसके बाद इसने क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को या कैंडल को मिरर की तरफ लेके जाते हो तो स्क्रीन को किस तरफ मूव करोगे ये चीज भी देखनी है आपने तो देखिए इसको मैं रब करता हूं पहले तो यहां पे अगर हम लोग कैंडल को मूव करेंगे किसकी तरफ मिरर की तरफ तो यहां इससे पहले आप लोगों ने जब रिलेटिव पोजीशन बनाई होगी थ्योरी लेक्चर्स में कि आप देखते थे जब आप लोग इन्फिनिटी से पैरल रेज लाते थे तो आपकी जो इमेज बनती थी फोकस पे बनती थी फिर उसके बाद जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते थे तो आपकी जो इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती थी फिर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो आपकी जो इमेज बनती थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी फिर जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे तो आपकी जो इमेज बनती थी यहाँ पे बनती थी फिर जैसे फोकस के ऊपर रखते थे तो आपकी जो इमेज बनती थी कहा बनती थी इंफिनिटी पे बनती थी तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेके आ रहे हो तो जो इमेज है वो शिफ्ट होती जा रही है मिरर से दूर भाग रही है भाग रही है ना अगर वो दूर भाग रही है तो इमेज आपकी दूर बनती जा रही है तो मतलब आपको जो मिरर जो स्क्रीन है सॉरी जो स्क्रीन है स्क्रीन को भी क्या करना पड़ेगा शिफ्ट करना पड़ेगा अवे फ्रॉम द कहा से मिरर से तो यहां पे एक चीज ध्यान दें अगर हम लोग देखे यहां पे अगर मैं लिखता हूं अगर आप लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हो मूव कराते हो किस तरफ टू मिरर की तरफ तो जो आपकी इमेज है बच्चे इमेज क्या जाएगी मूव होगी किस तरफ अवे फ्रॉम द मिरर अवे फ्रॉम द मीर अगर आपकी इमेज मूव हो रही है अवे फ्रॉम द मीर तो इसका मतलब स्क्रीन हैज टू बी शिफ्टेड अवे स्क्रीन हैज टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द मीर ऑफकोर्स ठीक है अब कहां तक मूव करेगा देखो आपको पता है बच्चे जब आपने मान लो ऑब्जेक्ट जब आप यू एफ पे रखते हो ऑब्जेक्ट आप जब एफ पे रखते हो तो आपकी जो इमेज मिलती है वो पे मिलती है उसके बाद अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहां रखी किसके बीच में रखी है पोल और फोकस के बीच में जब पोल और फोकस के बीच में रखते हो देखो एक रे जो पैरेलल लोगे तो ये आप निकालोगे फोकस से इस तरह से ठीक है ये निकल गई जी और दूसरी रे अगर पोल पे गिरा रहे हो तो उतने ही डिस्टेंस पे पोल पे गिरेगी तो यहां से देख के लगता है ये दोनों रेज जो रिफ, रिफ्लेक्ट हुई है ये मीट करेंगी। तो ये मीट नहीं करेंगी तो आपके पास जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी बियॉन्ड द मिरर और ये जो इमेज है बच्चे ये क्या है वर्चुअल तो वर्चुअल इमेज होगी बच्चे तो स्क्रीन पे तो दिखेगी नहीं तो मतलब आपको कब तक क्या बोलते हैं इमेज दिखेगी मतलब कहां तक आप लोग स्क्रीन को मूव करा सकते हो जब तक अगर आप लोगों को इमेज आपको कब तक दिखेगी जब यू इक्वल टू एफ होगा जब आप लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे फोकल लेंथ की दूरी तक रखोगे तब तक आपको इंफिनिटी पे दिखेगा अगर आपने अगर अगर आपने यू को क्या किया और कम कर दिया किससे फोकल लेंथ से फोकल लेंथ से. से अगर कम किया तो आपको कहीं पे भी इमेज नहीं मिलेगी देर विल बी नो इमेज देर विल बी नो इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन देर विल बी नो इमेज फॉर्मड ऑन द स्क्रीन क्यों क्योंकि जो इमेज है आपकी वो है वर्चुअल तो यहां पर दोनों पार्ट को हमने अच्छे से एनालाइज किया है तो यहां पर एक बार बार दोबारा बोल रहा हूं आपको जो फार्मूला याद रखना है वी का वो किसके बराबर है यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ इस फार्मूले से डायरेक्ट आपने यही अप्लाई करना है फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वी निकालने को बोलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या निकालने को बोलेगा वी तो ये आपके पास बच्चे इसका रिजल्ट आ गया